अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का आवरली चार्ट है। कल गोल्ड वापस से 1817 तक चला गया था, लेकिन अगेन जैसे कि देख सकते हो बर्स्ट मूवमेंट्स। 1815 का हाई, 1850 का लो, आधे एक घंटे में ही पूरे बर्स्ट मूवमेंट दे देता है, फिर उसके बाद एक जगह अटक जाता है। सेम ही कहानी चल रही है गोल्ड की 3 हफ्ते से तकरीबन, और ये बस मूवमेंट्स बहुत ही भारी पड़ रहे हैं क्लाइंट्स को जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको। पूरा दिन वो होल्ड करके रखते हैं 24 घंटे 36 घंटे, और अचानक से मूवमेंट्स आ जाते हैं बस मूवमेंट्स। या फिर देख सकते हो हर जगह आपको बस मूवमेंट दिखाई देंगे। 2-3 हफ्ते में तो बहुत ही ज़्यादा बस मूवमेंट्स हुए हैं, तो उस वजह से मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त एक ट्रेंड को लेके बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है। आज नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएस के, उससे शायद थोड़ी क्लैरिटी मिले अगले हफ्ते के लिए। बट लास्ट 2-3 वीक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल और बहुत ही ज़्यादा बर्स्ट मूवमेंट की वजह से एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले जो है मार्केट रही है 2-3 हफ्ते से। अभी फिलहाल 1813 डॉलर के आसपास चल रहा है। आज का सपोर्ट रहेगा 1804 डॉलर का। 1804 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो मार्केट 1790 और 1780 तक जा सकती है। आज का रेजिस्टेंस है 1820 21 का। 21 डॉलर के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो मार्केट 1830 और 1840 जा सकती है। गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में बना हुआ है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसका अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वेट कीजिए आज के यूएस के डेटा का, उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी। चलिए अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर का चार्ट। एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा सिल्वर के और गोल्ड के चार्ट में। ये सिल्वर का कल का चार्ट है, 24:20 से लेके 23:78 तक चला गया था। मतलब क्रैश हुआ तो पूरा ही क्रैश हुआ। ऐसा नहीं है कि 10-11 डॉलर देके उसके बाद उसने रिकवरी करी। यहाँ क्रैश हुआ तो पूरा क्रैश ही हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक स्पाइक आया और वापस से मार्केट ऊपर आ गया। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, जब बढ़ना शुरू हुआ तो एकदम पूरा बढ़ा। यहाँ से 23:80 से लेके ऑलमोस्ट 24:30 तक चला गया था। तो सिल्वर और गोल्ड में ये थोड़ा फर्क है। थोड़ा सा सिल्वर ज्यादा बेटर है। सिल्वर बेटर क्या है, गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा अजीब ट्रेडिंग कर रहा है। बाकी सब पूरा मार्केट कुछ भी उठा के देख लो आप, यूरो, बिटकॉइन, डॉलर इंडेक्स, सिल्वर सब ठीक चल रहा है। बस क्रूड गोल्ड ही थोड़ा सा नाराज चल रहा है। एनीवेज अभी फिलहाल 23:93 के आसपास सिल्वर चल रही है। आज का सिल्वर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि सिल्वर कल वीक जोन में एंटर हो चुकी थी। आज का रेजिस्टेंस है 24:20 का। इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो ही मार्केट में फ्रेश बाइंग आएगी तकरीबन 24:50 तक की। आज का सपोर्ट है 24:70 का, 24:70 सॉरी 23:70 का। 23:70 के नीचे 23:50 और 23:20 तक जा सकती है। गोल्ड पॉजिटिव है, सिल्वर नेगेटिव है, दोनों का ट्रेंड कॉन्ट्रेडिक्ट है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। ऑलमोस्ट कल 70 डॉलर 60 सेंट के आसपास चला गया था, पॉजिटिव जोन में है। आज का सपोर्ट है 69 डॉलर का। 69 डॉलर के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो ही मार्केट वीक होगा, अदरवाइज पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस है आज का 71 डॉलर का। 71 डॉलर के ऊपर 72 और 73 तक जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल पॉजिटिव है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। डाउ जोन्स के लेवल्स मैंने अपने निफ्टी वाले चैनल के वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं, आप वहां देख सकते हो। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं यूरो पे। यह है यूरो, 18:78 के आसपास चल रही है। एक अच्छी इसके अंदर जो तेजी है वो आई है नीचे से। आज का सपोर्ट है 18:50। 18:50 के नीचे निकलेगा और सस्टेन करेगा तभी मार्केट वीक होगा, अदरवाइज पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस है आज का 19:10 का।
1910 के ऊपर, 1950 और इवन 2000 तक जा सकता है। तो ख्याल रखिएगा, यूरो पॉजिटिव है तो सेल मत कीजिएगा। अब आते हैं पाउंड पे, यह है ब्रिटिश पाउंड, 38-34 के आसपास चल रहा है, अभी भी पॉजिटिव जोन में है। आज का सपोर्ट है 38-10, इसके नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो ही मार्केट वीक जोन में जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव है। आज का रेजिस्टेंस है 38-50 का, 38-50 के ऊपर 3900 तक जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। पेड सर्विस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। MCX के लेवल 11 बजे आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक MCX खुला ही नहीं है। अब मिलूंगा आपको कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में, बिकॉज अब वीकली एनालिसिस आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।